यदि आप चलाते हैं व्हाट्सएप तो हो जाइए सावधान, खास तौर पर महिलाएं जो व्हाट्सएप चलाती हैं। किसी भी अनजान नंबर से कोई कॉल आए और आपसे कहे कि किसी को कॉन्फ्रेंस पर लेना है तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि हैकर्स आपके व्हाट्सएप की सभी चैटिंग को हैक कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक बड़ा खुलासा फरीदाबाद साइबर सेल ने किया है, जिसमें आरोपी लड़कियों के व्हाट्सएप चैट हैक करके उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। दिल्ली NCR में खास तौर से उन लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो कॉलेज में पढ़ती हैं, उनके नंबर लेकर उन्हें कॉल के जरिए उनके व्हाट्सएप को हैक कर लेते थे। ACP क्राइम अनिल कुमार की माने तो पलवल के रहने वाले मनीष और एक एयरटेल के सर्विस प्रोवाइडर समेत एक लड़की को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि ये तीनों मिलकर दिल्ली NCR में कॉलेज जाने वाली लड़कियों के नंबर लेकर उन्हें कॉल कर उनको ब्लैकमेल करते थे और उनका व्हाट्सएप हैक कर लेते थे। इसके बाद उनके द्वारा की गई चैटिंग अपने फोन में लेते थे, इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और ऐसे एक से दो नहीं करीब 100 लड़कियों को अब तक ब्लैकमेल कर चुके हैं, जहां उनसे अकाउंट में या पेटीएम के जरिए पैसे लेने का काम कर रहे थे। साइबर क्राइम सेल फरीदाबाद की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मनीष है, पूजा है, एक सत्तार खान है। ये तीनों पलवल के रहने वाले हैं और ये लड़कियों के व्हाट्सएप को हैक करके उनसे डाटा अपने फ़ोन के ऊपर ले लेते थे और उसके बाद में लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। देखिए, इसमें मनीष जो है वो मेन एक्यूज्ड है। ये कॉलेज वाले बच्चों से दोस्ती करके और कैसे भी एक दो नंबर लड़कियों के उनसे अपने तक अवेलेबल करवा लेता था। तो जैसे ही इसको लड़की एक नंबर अवेलेबल हो जाते थे, उसके बाद में ये उस लड़की का व्हाट्सएप को हैक करता था कॉल करके। और जो इसकी जो फ्रेंड है पूजा, उसके अकाउंट के अंदर जो लड़कियों को ब्लैकमेल करके जो पैसे लेते थे, तो उसके अकाउंट में या उसके पेटीएम वैलेट के अंदर ये पैसे ट्रांसफ़र करवाते थे। इसमें मेन जो टारगेट ग्रुप होता था वो उनका यही होते थे कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स होते थे। और लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक दो ऐसे जैसे भी हैं जहाँ इसमें जिनके ज़्यादा है जो लेडीज, उनके भी फ़ोन के व्हाट्सएप को हैक किया है। इसमें जो सत्तार खान है वो एयरटेल का ऑथराइज एक डीलर है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि इनको फर्जी सिम अवेलेबल करवाता था। 2 सिम इसने फर्जी सिम अवेलेबल करवाए थे मनीष को। अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया है और इनका फोन कब्जे में लिया हुआ है, जिसके अंदर काफी डिटेल्स हमें मिली है। पलवल का रहने वाला मनीष, जो इस गिरोह का मुख्य आरोपी है, पहले धान की फसल खरीद बेच का काम करता था, लेकिन उसमें उसे घाटा हुआ और उसके बाद उसे व्हाट्सएप हैकिंग का आइडिया मिला, जिसके बाद उसने अपने ग्रुप में एक लड़की को शामिल किया और एक एयरटेल के सिम प्रोवाइडर को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसके बाद लगातार दिल्ली NCR में करीब 100 लड़कियों को अब तक ब्लैकमेल कर चुके हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ दिल्ली, गुरुग्राम और पलवल में भी ब्लैकमेल कर ठगने के मामले सामने आए हैं। सर, मेरा मंडी में काम था, ट्रेडिंग का, धान वगैरह खरीदता था मैं। फिर पता नहीं 2-3 साल से ये था क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उससे सिर में कुछ परेशानी आने के कारण फरीदाबाद में, जहां एक के बाद एक लगातार जो है वारदातें बढ़ती नजर आ रही हैं, तो वहीं पुलिस भी अब कहीं ना कहीं उन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद के साइबर सेल ने एक ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लड़कियों को या फिर उनके परिजनों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे थे। अब ऐसे में सोशल साइड पर लगातार जो लूट के मामले थे वो अब कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर भी होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पंकज के साथ संदीप गोयल, पायनियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the bell icon.